पूर्ण हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम, पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिस इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। मैडम, मैं बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रैविजेस द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे को खा जाता है इन्फ्लेशन, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और जो लोग खुश हैं आज कि कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5 कर दिया है, उनके लिए मैं एक उदाहरण लाया हूं। इस उदाहरण, नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? तो ये थे राघव चड्ढा, जो हमारी बजट पेश हुई है जुलाई 2024 में, उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया है ऑन प्रॉपर्टी। तो अगर आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी अगर आप एसेट सेल करते हैं तो पहले उस पर इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी, अब नहीं मिलती है। अब से 23 जुलाई से अगर आप उसे सेल करते हैं तो वो इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं कैपिटल गेन के बारे में कंप्लीट डिटेल, क्या क्या चेंजेज आए हैं और किस तरीके से अब ये वर्कआउट होगा 24-25 फाइनेंशियल और ऑनवर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि बजट 24 में क्या क्या अनाउंस हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जो एक होल्डिंग पीरियड होता था कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्लासीफाई करने के लिए आपको एक होल्डिंग पीरियड होता था। से अगर आपकी सिक्योरिटी है तो 12 महीने से पहले अगर आपने खरीद के 12 महीने से पहले बेच दी तो वो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेची तो वो लॉन्ग टर्म। लिस्टेड सिक्योरिटी है तो ओनली 12 महीने का रूल अप्लाई होगा, उसके अलावा और कोई भी है उसमें सिंपल सा चीज है 24 महीने का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको जो है टैक्सेशन लगेगा। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, उसको बढ़ा दिया गया है। 15% था पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब ये 20% हो गया। इट मींस अगर नॉन लिस्टेड है तो वो स्लैब रेट्स होगा, मैं आगे बताऊंगा। इसी के अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता था पर ईयर, अब उसको बढ़ा के 1.25 कर दिया गया है। बट रेट जो पहले 10% लगता था अब वो 12.5% लगेगा। अब आप पूछेंगे कि 23 जुलाई को यह बजट आया, 23 जुलाई से पहले का क्या? बोले अब कैलकुलेशन पूरे होल ऑफ द ईयर के लिए होगी। ये जो 23 जुलाई 2024 को आई है तो ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31-3-2025 तक के लिए अप्लाई होगी। एक मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि क्या बिफोर और आफ्टर क्या चेंजेज आए हैं। देखिए, अगर आपके इक्विटी शेयर हैं, सिक्योरिटीज हैं, इक्विटी शेयर मतलब लिस्टेड में मान के चल रहा हूं, तो लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए हो गया 12.5 महीने। सेल ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब है। रेट क्या होता है, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रीट और इन्विट का कॉन्सेप्ट, ये रोड के कॉन्सेप्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। कि अगर आपकी मान लेते हैं कि कई सारे कंप्लीटेड रोड प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपने उस कंप्लीटेड रोड प्रोजेक्ट्स को मान के, मान लेते हैं कि 10 प्रोजेक्ट है, 10 प्रोजेक्ट को मिला के एक इन्विट बना दिया और इन्विट का आपने यूनिट खरीद लिया, तो वो जो यूनिट है अब उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी होगी, 36 मंथ। अब इसमें लॉन्ग टर्म पहले क्या लगता था, 10%, और शॉर्ट टर्म लगता था 15%। सेल ऑफ बॉन्ड के लिए जो आपको शॉर्ट टर्म में लगता था वो स्लैब रेट पे लगता था, लेकिन ये तो पहले की थी। लेकिन अब क्या होगा, अब ये सबको कर दिया है 12 महीने, 12 महीने से ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए 12.5%, और शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी शेयर के लिए 20%, सेल ऑफ बॉन्ड डिवेंचर्स के लिए स्लैब रेट, और रेट इनविट के लिए भी 20%। अब समझिए, ये अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, तो पहले क्या होता था, इसमें इक्विटी शेयर, ट्रांसफर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, ये जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है उसके लिए 24 महीने का टाइम था, ट्रांसफर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड के लिए भी 24 महीने का टाइम था, रेट इनविट के लिए 36 महीने का टाइम था, फिजिकल गोल्ड के लिए 36 महीने का टाइम था, रियल एस्टेट के लिए 24 महीने का टाइम था। इसके ऊपर जो है आपका माना जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये बिफोर टैक्सेशन के स्थिति 20% विथ इंडेक्सेशन, ये जो बॉन्ड वाला है ये स्लैब रेट पे होता था, रेट इन विथ 20%, रियल एस्टेट 20% विथ इंडेक्सेशन और फिजिकल गोल्ड स्लैब रेट पे। ये जो रियल एस्टेट वाली बात है ना, 20% विथ इंडेक्सेशन, ये ना यही चीजें हैं जो राघव चड्ढा बोल रहे थे संसद टीवी पे। अब
अब क्या होगा, अब इसको क्लासिफाई कर दिया सिंपल, एक 36 महीने वाला एबोलिश कर दिया, 24 महीने के ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। रेट क्या लगेगी, तो 12.5% फ्लैट लगेगी, सिर्फ ये जो बॉन्ड वाला है उसमें अभी भी स्लैब रेट लगेगी। शॉर्ट टर्म में, अनलिस्टेड में या कोई भी अदर सिक्योरिटी, उसमें स्लैब रेट ही लगेगी शॉर्ट टर्म में। तो इसीलिए ये आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का सारी की सारी चीजें क्या चेंजेज आए। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब और क्या चेंजेज आए हैं, लिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर, इसमें क्या किया है, टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया गया है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अनलिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर के लिए ये स्लैब रेट पे होगी जो मैंने ऊपर बताया। अब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए ना पैरिटी ला दिया गया है, सबके लिए एक ही रेट रहेगा, ये अलग अलग रेट नहीं रहेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर कैपिटल गेन अलाइन कर दी गई है दोनों के लिए, और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का ना क्रिटेरिया बदल दिया है। मतलब जैसे हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब क्या हुआ कि उसका 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट हो। अगर ये 65% से ज्यादा डेट में इन्वेस्ट होगा तो वो डेट ओरिएंटेड फंड हो जाएगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% पे और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% पे। बट डेट ओरिएंटेड फंड के लिए क्या होगा, वही स्लैब रेट जो मैंने ऊपर देखा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि 65% या उससे ज्यादा आपके जो है वो डेट में इन्वेस्टेड होने चाहिए उस म्यूचुअल फंड के। ये एक डेफिनेशन चेंज हुआ है, ये और बहुत राज्यसभा का महत्वपूर्ण आपने बात। देख चुके हैं। अब मैं ये जो बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, देखिए कुछ हद तक ये सही है। मैं कुछ हद तक क्यों बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने एक खरीदा था, एक घर खरीदा था 2001 में 100 रुपए का, उस समय कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन थी 100 रुपए, हमने लिया था 10 लाख में। अब आज की डेट में CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट निकालती है ये डेटा, 363 हो गई है। तो मैं मानता हूं कि ये जो 2001 से 2024 आया, 23 साल में 20 बार 20 टाइम्स प्राइस मल्टीप्लाई हो गए, और एक मैं केस लेके चलता हूं जहां पे 5 टाइम मल्टीप्लाई हुई। मतलब क्या हुआ, अगर ये 10 लाख का प्राइस आज के दिन में 2 करोड़ रुपए हो चुके हैं, तो आपको किस रिजीम में बेनिफिट है वो आप देखिए। न्यू टैक्स आपको कितना लगना है, 12.5% फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना 10 लाख, सेल प्राइस 2 करोड़, बेनिफिट हो गया 1 करोड़ 90 लाख का, इस पे 12.5% का टैक्स 23,75,000। अब मानते हैं अगर मैं इसको इंडेक्सेशन करूं, तो 10 लाख का 2001 में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट थी ये 100 रुपए थी, और अभी 363 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.63 टाइम्स प्राइस बढ़ गए। तो इसमें भी 3.63 टाइम्स बढ़ाएंगे, मतलब 10 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 36,30,000। सिंपल सी कहने की मतलब है कि 100 रुपए का जो एसेट था वो अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चले तो 3.63 टाइम्स बढ़ना चाहिए, तो 10 लाख का एसेट कितने का हो जाता, 36,30,000 रुपए का, लेकिन आपने बेचा है 2 करोड़ का, तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी हुई, 1,63,70,000 की। तो उस पर टैक्सेशन 20% का कितना है, 32,74,000। तो अभी जो नया टैक्स है ये बेनिफिट है उनको जो 12.5% का है। तो राघव चड्ढा तो गलत बोल रहे थे यहाँ पे कि इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है तो हमें फायदा है। आप देख सकते हैं 32,74,000 और 23,75,000 में ऑलमोस्ट 10 लाख का डिफरेंस है। तो इट मीन्स अगर प्राइस 20 टाइम्स इंक्रीज कर गया तो जो नया टैक्स रिजीम जो दिया है, नया टैक्सेशन जो दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो बेनिफिशियर है। लेकिन अगर 5 टाइम्स इंक्रीज किया प्राइस, मतलब 10 लाख का एसेट आज की डेट में आप 50 लाख का बेच रहे हो, तो न्यू टैक्स रिजीम कितना होगा, तो 50 लाख माइनस 10 लाख, 40 लाख का 12.5%, 5 लाख रुपये। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम कितना होगा, 10 लाख का कॉस्ट कितना माना जाएगा, 36,30,000। अब इस 36,30,000 में गेन कितना हो गया, 50 लाख माइनस 36,30,000, 1,37,000 का, तो 1,37,000 पे 20%, 2,74,000 का टैक्स बना। तो इस केस में जो आपकी बेनिफिट हुई वो पुराने वाले रिजीम में ज्यादा होती। इट मींस मैं ऐसे बोलूं कि अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन रेट से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, मोर देन इन्फ्लेशन रेट, सिर्फ मोर देन नहीं, मोर देन तो यहां भी है, 363, यहां आपने 5 गुना इसको इंक्रीज किया, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है,
तब तो सारे 12% वाला जो न्यू टैक्स है वो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन जहां पे आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है या फिर कम बढ़ रहा है, वहां पे आपको ओल्ड टैक्स बेटर होता, न्यू टैक्स बेटर नहीं होता। तो अब इससे होगा क्या, दो चीजें होंगी। एक तो हो सकता है कि ब्लैक के ट्रांजेक्शन बढ़े, क्योंकि बोलेगा कि मुझे इस पे फ्लैट टैक्स लग रहे हैं, तो आप मुझे जो है दो नंबर में ज्यादा पैसा दो, एक नंबर में कम पैसा लो और आप रजिस्ट्री करो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा बढ़ जाएंगे। ज्यादा क्या बढ़ जाएंगे, वो बोलेगा अगर मैं कम पे बेचता हूँ, मतलब अगर 5 गुना बढ़ा के बेचता हूँ प्राइस, तब तो मेरे लिए और टैक्स का और घाटा ही है, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा के क्यों ना बेचूं। इसलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं वो एक मामले में तो सही है, लेकिन एक मामले में वो सही नहीं होगा। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस थी, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे कनेक्ट होता है, कनेक्ट होना है तो सी रितेश राज इज द हैंडल नेम। यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड लिंक्डइन। मेरा ईमेल आईडी है teamcraj@gmail.com। फोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इस पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।